नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 कार्यक्रम में आज देश में 5G मोबाइल सर्विस का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 5G सर्विस से देश में अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का रास्ता खुल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में लगी प्रदर्शनी का भी जायजा लिया, जिसमें 5G की मदद से आने वाले समय की टेक्नोलॉजी की झलक देखने को मिली। इस दौरान रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को जियो क्लास की मदद से 5G का डेमो दिया और प्रधानमंत्री ने इस टेक्नोलॉजी को समझा। एक दूसरे स्टॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बैठकर स्वीडन में गाड़ी चलाई। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां इंसान को जाने में खतरा होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के स्कूली बच्चों से नई टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत भी की। पहला 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा बल्कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ बदल जाएगा। 5G के लिए काम कर रही कंपनियों का मानना है कि 5 साल में भारत में 50 करोड़ से ज्यादा 5G इंटरनेट यूजर की संख्या होने वाली है। अब 4G को बाय बाय, 5G का वेलकम। रॉकेट की स्पीड से चलेगा इंटरनेट। बदल गया इंटरनेट का जमाना। पीएम मोदी ने किया 5G लॉन्च। अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत 5G। ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। देश में हाई स्पीड इंटरनेट युग की शुरुआत हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। 5G की लॉन्चिंग के साथ ही देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा। इस सर्विस से देश को तेज रफ्तार के साथ नई पहचान देने में मदद दिलाएगी। लॉन्चिंग के दौरान सबसे पहले पीएम मोदी ने प्रगति मैदान में प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस प्रदर्शनी में पीएम के सामने हाई सिक्योरिटी राउटर, साइबर थ्रेट डिटेक्शन प्लेटफॉर्म को दिखाया गया। 5G के डेमो के समय पीएम मोदी ने वेव 3 चश्मा पहना और तकनीक के बारे में जाना। कार्यक्रम में पीएम के कार चलाने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें ड्राइविंग सीट पर बैठे मोदी ने स्टीयरिंग संभाली और कार को ड्राइव किया। प्रधानमंत्री ने तकनीक की मदद से स्वीडन में कार चलाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने आईएमसी में एरिकसन स्टॉल पर कंट्रोल के जरिए कार को कंट्रोल किया। सभी तरह के अनुभवों के साथ ही पीएम मोदी ने 5G सेवा की मदद से स्कूलों बच्चों से बात भी की। इस दौरान बच्चों ने अपने अनुभव को साझा किया। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। 5G लॉन्च के दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। डिजिटल इंडिया योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये एक सरकारी योजना है। पीएम मोदी ने जनता को बताया कि हमने 4 दिशाओं पर काम किया। पहला, डिवाइस की कीमत, दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तीसरा डेटा की कीमत और चौथा डिजिटल फर्स्ट। 4 पिलर्स पर 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला डिवाइस की कीमत, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी, तीसरा डेटा की कीमत, चौथा और जो सबसे जरूरी है डिजिटल फर्स्ट की सोच। सरकार की नीयत पर सवाल उठाने वालों को भी पीएम मोदी ने सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है। अगर सरकार सही नीयत से काम करे तो नागरिकों के नीयत बदलने में देर नहीं लगती। कि अगर सरकार सही नीयत से काम करे तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नीयत और 5G की नीयत में यही फर्क है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पहले संसद में भी लोग मजाक उड़ाते थे। वे इस बात पर संदेह करते थे कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब नहीं समझते। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठीभर लोग, सदन के कुछ भाषण देख लेना कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। फिलहाल अभी चुनिंदा शहरों में 5G सेवाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन 5G के शुरुआत के साथ अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट के युग का आगाज हो गया है। और दिवाली से पहले ही पीएम मोदी ने 130 करोड़ भारतवासियों को दिवाली का शानदार तोहफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।